चेन्नई सुपर किंग के कप्तान एमएस धोनी 7 जुलाई को 42 साल के होने जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग के बाद एमएस धोनी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले जा रहे मैच के दौरान एमएस धोनी ने अपने रिटायरमेंट पर कुछ ऐसा किया जिसने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। एमएस धोनी रिटायरमेंट पर ऐसा बयान दिया कि जिससे क्रिकेट प्रेमियों में खलबली मच गई है। इस बयान से ऐसा माना जा रहा है कि धोनी अगले साल भी आईपीएल खेलेंगे। दरअसल टॉस के दौरान जब एमएस धोनी ने पूछा गया कि फैंस आपको फेयरवेल देने आ रहे हैं, आप अपने आखिरी आईपीएल सीजन को एंजॉय कर रहे हैं, इस सवाल पर धोनी ने जवाब दिया, ये आपने फैसला किया है कि ये मेरा आखिरी आईपीएल है, मैंने नहीं। धोनी से इस जवाब के बाद फैंस ने मान लिया है कि वो अगले सीजन में भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग के हेड कोच स्टीवन फ्लेमिंग ने एमएस धोनी के संन्यास को लेकर बड़ा बयान दिया था। स्टीवन फ्लेमिंग ने एमएस धोनी के रिटायरमेंट की बात करते हुए कहा था कि 41 साल के धोनी ने चेन्नई सुपर किंग के ड्रेसिंग रूम में रिटायरमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने भी एमएस धोनी के रिटायरमेंट की खबरों को नकार दिया था। क्रिकेट जगत की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।